राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच सचिन पायलट पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया। बावजूद इसके कांग्रेस ने सचिन और उनके बागी विधायकों के लिए अपने दरवाजे लगातार खोल रखे हैं। सचिन पायलट को, उनके बागी विधायकों को वापसी का एक और मौका दिया जा सकता है और ये फैसला राहुल गांधी की ओर से लिया गया है। मिली जानकारी की माने तो सचिन पायलट के इस्तीफे विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह मची है, इस पर राहुल गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। राहुल नहीं चाहते कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से जाएं और इसीलिए राहुल गांधी ने एक और मौका देने का इन नेताओं को निर्देश दिया है। जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के अनुसार सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं क्योंकि राहुल गांधी ने निर्देश दिया है। सभी उकसावे के बावजूद सचिन को एक और मौका दिया जाए, पायलट को परिवार में शामिल होने का एक और मौका दिया जाए, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेहद करीबी अहमद पटेल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहले माना जा रहा था पायलट के विद्रोह पर राहुल ने सख्त रुख अपनाया है, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें, सचिन पायलट को वापस लाने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। राहुल गांधी का निर्देश अशोक गहलोत के उस बयान के बाद आया है जिसमें गहलोत ने सीधे तौर पर पायलट पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश कही। एक तरफ अशोक गहलोत सचिन पायलट जैसे नेता पर दगाबाजी का आरोप लगाते हैं, सचिन पायलट के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, सचिन पायलट को मीडिया के सामने नीचा दिखाते हैं, और वहाँ दूसरी तरफ राहुल गांधी ये फैसला ले लेते हैं कि सचिन पायलट को पार्टी में वापसी का एक और मौका दिया जाएगा। एक बार फिर से पायलट के साथ कांग्रेस के बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वापस कांग्रेस पार्टी में आकर कार्यभार संभाले। SPN 9 न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।